वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शेराजी, आयशा शेराजी, उमर शेराजी और क्या खबर है हाजिर है। आज हम बनाएंगे चटपटा चनों के चावल। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही चटपट बन जाते हैं। तो ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज की रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ इन्ग्रीडियंट्स है। सोवेज 1 किलो हम लोग लिए चावल और इन्हें हम लोगों ने भिगो के रख दिए। 2 कप हम लोग लेंगे सफ़ेद चने और इससे पहले हम लोगों ने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अब अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। अब ये गल चुके हैं और जब हमने इसे भिगोया था तो तब बेकिंग सोडा ऐड किया था। 1 हम लोग लेंगे बड़े साइज़ की प्याज और इसे कुछ इस तरीके से काट लेंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे और उसे भी हम लोग काट लेंगे। 1 बड़े साइज़ का हम लोग लेंगे लीमो और इस तरह 2 पीसेस में काट लेंगे। 1 कप हम लोग लेंगे ऑयल, आप चाहिए तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे भर के नमक और 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे गरम मसाला पाउडर। 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे चाट मसाला। 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे इमली। तो 5 से 6 हम लोग लेंगे हरी मिर्च और इस तरीके से काट लेंगे। 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे शंग्रीला का अचार यानी कि मिक्स पिकल। सोवेज़ ये हमारे पास हरा गरम मसाला। तो 1 हम लोग लेंगे तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ज़ीरा साबुत और 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे काली मिर्च साबुत और हम लोग लेंगे 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे काली मिर्च और दालचीनी हम लोग लेंगे 1 पीस और इसे हम लोग इस तरीके से काट लिए। और 5 से 6 हम लोग लेंगे लौंग। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो इन सब चीज़ों की जरूरत होगी मैं आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोवेज हम लोग लेंगे किसी भी साइज़ की देगची और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनका हम लोग कलर चेंज करेंगे। जब तक कि इनका कलर ब्राउन हो जाता तब तक हम ये फ्राई करते जाएंगे। सोवेज़ अलहमदिल्ला प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्का सा भून लेंगे। सोवेज़ इनको हम लोग हल्का सा भून लेंगे जो हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाले। इसमें लाइट हमारे व्यूवर्स टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम लोग टमाटरों को पिघलने देंगे। सो व्यूअर्स टमाटर पिघल गए हैं तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ऐड करेंगे हरा गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे नमक, हल्दी, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो ऐड करेंगे हम लोग गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुर्ख मिर्च और चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ऐड करेंगे हम लोग पिकल यानी कि अचार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो मीडियम है अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे इमली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे इस तरह चम्मच की मदद से फैला देंगे, पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। सोवेज़ पानी का छिड़काव करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी का छिड़काव किया हम लोगों ने, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
सुबह सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा ध्यान से मिक्स करेंगे ताकि चने हमारे टूटे ना, लेकिन मिक्स अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो बस 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग ढक्कन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, तो हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सुबह से हम लोग लिए थे 3 गिलास पानी, तो उसी गिलास को मेयर करके हम लोग लेंगे 2 यानी कि 6 गिलास पानी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चावल हम लोग लिए थे 3 गिलास, इसलिए 6 गिलास पानी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2nd गिलास, 3rd गिलास, 4th गिलास, 5th गिलास और ये 6th यानी कि 6ठा भी हमारा ऐड हो चुका है। तो पानी हम लोगों ने ऐड कर लिया 6 गिलास, मिक्स कर लेंगे हम लोग, हल्का सा हम लोग मिक्स करेंगे। सुबह चावलों को हम लोगों ने भिगो के रख दिया था, अब हम लोग उसका पानी निचोड़ के उसे ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पानी में हमारा उबाल आ चुका है, तो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से चावल हम लोग ऐड करेंगे और पानी जो है हम लोग बिल्कुल निचोड़े में लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं चोरों के चावल, चना पुलाव आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान स्पेशल है, आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, रमज़ान में, इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आला स्टाइल में ये तैयार हो जाते हैं। सुबह चावल ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सुबह जब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता, तो चलिए अब तब मिलते हैं जब इसका पानी मुकम्मल तरीके से सूख जाएगा। हम ढक्कन डालेंगे। तो अब हम लोग इसे दम पे रखेंगे। तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुश्क हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो नमक आप अपने जायके मुताबिक रखें, मेरी नमक जो चावलों में थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने और ऐड कर दिया, यहाँ पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम लोग दम पे रखेंगे इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग इसे रखेंगे दम पे और ढक्कन पे हम लोग डालेंगे रुमाल। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लींबू निचोड़ेंगे, तो इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे चावल एकदम दानेदार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से निचोड़ लेंगे। तो हम लोग इसे किसी भी सर्विंग ट्रे में निकालेंगे, राइस सर्विंग ट्रे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निकाल लेंगे हम लोग किसी भी डिश में। अपना